प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को मध्य प्रदेश के दौरे पर आए। उन्होंने भोपाल के जम्बूरी मैदान में आयोजित कार्यकर्ता महाकुंभ में भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान हमारे संवाददाता ने बीजेपी प्रवक्ताओं से बात की, तो सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। यानी हर गारंटी पूरी होने की गारंटी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश के सबसे बड़े महाकुंभ बीजेपी कार्यकर्ताओं के महाकुंभ को संबोधित किया और उसके बाद बड़ी संख्या में जो बीजेपी के नेता हैं, बीजेपी की महिला कार्यकर्ता हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस प्रकार से कार्यकर्ताओं में एक जोश भरा कि अब बेहद ही कम समय बचा है और चुनाव की तैयारी में जुट जाइए, तो एक ये बड़ा संदेश जो है मोदी ने कार्यकर्ताओं को दिया है, कैसे देखते हैं आप? आज के जोश को देखकर हम कह सकते हैं, आप देख रहे हैं लाखों लाख कार्यकर्ता, माताओं बहनों, युवाओं, बच्चों, किसानों सहित सब, आज पूरे मध्य प्रदेश ने दिखा दिया है कि आने वाले समय में मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रचंड बहुमत से बनने वाली है। और माननीय मोदी जी के निर्देशन अनुसार यहाँ पर गांव गांव जाकर हम कार्यकर्ता जो योजनाएं राष्ट्र की और प्रदेश की चल रही है उनको जमीन में ले जाकर और हम अपने बूथ को प्रचंड बहुमत से जिताएंगे। घर घर मोदी, मोदी है तो सब मुमकिन है। हमको देश के लिए मोदी जी चाहिए, हर बार मोदी जी आएंगे, हर बार कमल खिलेगा, अब की बार नहीं, हर बार भाजपा सरकार आएगी। मोदी ने ये भी कहा कि जो गारंटी मोदी ने महिलाओं को दी थी वो पूरी की है। मोदी जी ने हर योजना पूरी की है और आगे भी करेंगे, हमको नहीं पूरे देश को विश्वास है। मोदी जी देश के लिए चाहिए, मोदी जी है तो मोदी चाहिए। बोलते नहीं है, मोदी जी करते हैं, उनका जो काम बोल दिया उनका नीचे स्तर तक काम आता है और हमें मोदी ही चाहिए। मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है। बिल्कुल मोदी है तो मुमकिन है। और ये तस्वीर आप भोपाल के जम्बूरी मैदान की देख सकते हैं, जहां पर आज जन आशीर्वाद यात्रा का समापन हुआ है। और इस समापन अवसर पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो प्रमुख बड़ी बातें कही, सबसे पहले तो कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस की ऐसी व्यवस्था बनाई कि गरीब हमेशा गरीब रहे, कांग्रेस ने देश के लोगों को अभाव में रहने पर जो है मजबूर किया है। इसके साथ ही कई ऐसी बड़ी घोषणाओं को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि ये जनसलाब, ये उत्साह, ये कार्यकर्ताओं का महाकुंभ बहुत कुछ कहता है। और यहाँ पे केंद्र और राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं उनका बखान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, तो ये कह सकते हैं कि ये तस्वीर आप भोपाल की देख सकते हैं। और जो जन आशीर्वाद यात्रा जो मध्य प्रदेश में बीजेपी के तमाम बीजेपी के नेता आशीर्वाद लेने आम जनता के बीच पहुंचे थे, आज उस यात्रा का समापन भोपाल में हुआ है। और एक बड़ा महाकुंभ जो कि देश का सबसे बड़ा महाकुंभ बताया जा रहा है, और इसमें ये कहा गया कि जो मध्य प्रदेश के 64,000 बूथ है उस बूथ स्तर से तकरीबन 10 लाख से अधिक कार्यकर्ता इस पूरे महाकुंभ में पहुंचे। और आज इसका समापन राजधानी भोपाल में किया गया और यहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अब बेहद ही कम समय बचा है, जो कार्यकर्ता हैं वो चुनावी तैयारी में जुट जाएं। कैमरामैन सुनील वर्मा के साथ कुलभूषण सक्सेना, इंडिया न्यूज़ भोपाल।